फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन बायोजीवा। आज हम लोग एक सिंपल हैबिट के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग अपना कर सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से घिरा हुआ है। शहरों में पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि इंसानों को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है और न ही खाने के लिए शुद्ध फल या सब्जियां मिल रही हैं। क्या आपको पता है एक साधारण मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में 19 क्यूबिक फीट प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब एक दिन में 550 लीटर प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रिसर्चों के अनुसार आज हम जो फल और सब्जियां खा रहे हैं जिसमें हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड की मात्रा काफी अधिक है, यहां तक कि जो हम बाजार से दूध पीने के लिए ला रहे हैं उसमें भी टॉक्सिक केमिकल्स की मिलावट काफी अधिक है। स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आज हमारे चारों तरफ केमिकल्स ही केमिकल्स है और हम चाह के भी अपने खाने में केमिकल से बच नहीं सकते हैं। ये बात तो सभी को पता है कि टॉक्सिक केमिकल्स कार्सोजेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब इसके खाने से हमें कैंसर होता है। आज शहरों में दृश्य इतनी भयावक है कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही कम उम्र में कैंसर हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में कैंसर पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज हमारे देश में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं और 8 करोड़ से भी ज्यादा हृदय रोग के पेशेंट हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सभी बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना लेते हैं तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और सभी बीमारियों से बच सकते हैं। कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं? इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का आसान तरीका है, आज से ही अपने शरीर को 100% शुद्ध हवा, पानी और खाना देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है प्योर ऑक्सीजन रिच हवा लेना। इसके लिए हमें 6 बजे सुबह उठना होगा और वॉक पर जाना होगा, तभी हमें नेचुरल प्योर ऑक्सीजन मिल पाएगा। शहरों में सुबह उठना काफी मुश्किल होता है क्योंकि हमारे दिनचर्या काफी बिजी होता है, जिसके कारण हम लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं। लेट से उठने के कारण मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप हमें कई नुकसान का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बालों का कमजोर पड़ना, बाल सफेद होना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, लेजीपन का एहसास होना, बॉडी पेन होना और स्ट्रेस इत्यादि। अगर आप सुबह में 6 बजे 30 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आप 100 लीटर से ज्यादा प्योर ऑक्सीजन अपने शरीर को देते हैं और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे, साथ ही साथ आप अपने इम्यून सिस्टम को भी काफी मजबूत बना सकते हैं। दूसरा काम जो हमें करना है, शुद्ध अल्कलाइन पानी पीना है जिसका टीडीएस 50 से 100 पीपीएम होना चाहिए। पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन। अगर टीडीएस 50 से कम हुआ या 100 से ज्यादा हुआ, दोनों केसेस में हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। अगर 50 से कम हुआ तो ये हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है, अगर 100 पीपीएम से ज्यादा हुआ तो ये किडनी को कमजोर बनाता है। हमें हमेशा आरओ का फिल्टर पानी तांबे के बर्तन से पीना चाहिए, जैसे तांबे का ग्लास या बोतल से। क्या आपको पता है हमारे शरीर के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अधिकतम सब्जियां और फल में पर्याप्त मात्रा में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है, इसलिए हमें एसिडिक वाटर पीना नहीं चाहिए। प्योर डिस्टिल वाटर का पीएच 7 होता है, कंटामिनेटेड वाटर का पीएच 7 से कम होता है जो एसिडिक इन नेचर है और शरीर को नुकसान करता है, इसलिए पीने का पानी का पीएच हमेशा 7 से अधिक होना चाहिए। हम हमेशा पीने का पानी का पीएच तो नहीं नाप सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो है पीने का पानी हमेशा तांबे के बर्तन से पी सकते हैं। पानी जब कॉपर के संपर्क में आता है तो एसिडिक पानी भी कुछ ही सेकंड में अल्कलाइन बन जाता है, ये आयोनाइज प्रक्रिया के कारण होता है। अल्कलाइन वाटर हमारे स्टमक को डिटॉक्स करने में मदद करता है, साथ ही साथ किडनी लीवर को भी क्लीन करता है, जिसके कारण हमारे शरीर
का एसिडिटी कम हो जाता है और हमारा बाल पकना और झड़ना रुक जाता है। हम काफी एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो जाता है। तीसरा काम जो हमें करना है, शुद्ध खाना खाना है, मतलब फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स। क्या आपको पता है बाजार से हम लोग जो फल या सब्जियां लाते हैं उसमें भारी मात्रा में हैवी मेटल्स होते हैं जो कार्सिजेनिक इन नेचर होते हैं और बाद में इसी कारण हम कैंसर का शिकार बनते हैं। इसे बचने के लिए आप अपने टेरिस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने बालकोनी में हर्बल प्लांट लगा सकते हैं। सुबह में प्योर ऑर्गेनिक हर्बल टी पीने से ये आपके ब्लड प्यूरिफाई करता है और हैवी मेटल्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आप अपने शरीर को भारी बीमारी से बचा सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर इत्यादि। ये तीन चीज कर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को 100% मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट हर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो आप बहुत ही कम जगह में गमले की मदद से लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों या फिर अपने संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी हर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नया भारत, स्वस्थ भारत।